अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसा मजहबी पोलराइजेशन भी जारी होते हुए नजर आ रहा है। बात बात को हिंदू मुस्लिम करने का वैसे भी इस मुल्क में ट्रेंड चल रहा है। आज हुबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामसेना के मुखिया मुतालिक ने एक बार फिर एक समाज को यानी खास मुसलमानों को निशाना बनाते हुए जहर उगलने का काम किया और कहा कि मुसलमानों से दिवाली के दौरान किसी भी चीज की खरीदो फरोख ना की जाए ताकि इन्हें सबक सिखाया जा सके। मुसलमानों को लेकर पहले भी भाजपा के कई लीडरों ने मुसलमानों के रिजर्वेशन को रद्द करने की मांग की हुई थी। हलाल को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि इन हलाल रुपयों का इस्तेमाल दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए किया जाता रहा है, लिहाजा मुसलमानों का बायकॉट किया जाए। आजकल कई चीजों पर हलाल लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या हिंदुओं को अब हलाल चीजें ही खरीदने होंगी? नेस्ले हिमालया हल्दीराम अपने पैकेट्स पर हलाल लिख रहे हैं। इस खबर पर भी तबसरा इसलिए नहीं करना है कि कोई मुतालिक जैसा हल्की सोच रखने वाले को ज्यादा अहमियत दी जा रही हो, पर सवाल हुकूमतों के रवैये पर उठता है कि जिस मुल्क को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहा जाता है वहां किसी एक मजहब को लेकर कैसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश मुस्तकिल की जा रही है और इन पर कार्रवाई नहीं की जाती। अब जब बीफ को लेकर इतना हंगामा किया जाता रहा, कईयों को तो मॉब लिंचिंग के जरिए जान से ही मार दिया गया, अब लंपी स्किन बीमारी से सैकड़ों जानवर मर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें उठाने वाला तक कोई नहीं है, तो फिर कार्रवाई यहाँ क्यों नहीं हो रही? कई जगहों पर गायों को बीमारी से मुतासर होता देखा जा रहा है, पर जैसे सांप सूंघ गया हो सभी तरफ खामोशी है। अब कहाँ जाते हैं जज्बात और आस्था? वजीर आला बयानात और मुआवजे की बात तो करते हैं, वैक्सीन देने की भी बात करते हैं, पर जमीनी सतह पर कितना अमल होता है इसका भी इल्म अब आवाम को होता जा रहा है। खैर, अब इस तरह के वाकई रोजाना देखने सुनने को मिलते रहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या एमआईएम के लीडर शौकत अली ने हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करने का इल्जाम लगाकर उस जुर्म में मुकदमा भी दर्ज किया गया, पर वही दोगला रवैया देखिए। मुसलमानों को लेकर खुले मंचों से जो चाहे बयानबाजी करने वाले वीएचपी लीडरों पर अब तक कोई मुकदमा दिल्ली पुलिस की जानिब से दर्ज नहीं किया गया है। पिछले हफ्ते वीएचपी की जानिब से इजलास मुनक्कद किया गया था, विराट हिंदू सभा के नाम से एक बड़ा इजलास मुनक्कद किया गया था जिसमें कई सारे हिंदू लीडरों ने इसमें शिरकत की थी, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ मनमानी बयानात देते हुए मारने काटने की बात कही गई थी। अब तो यह रोजाना का काम बन चुका है, कई जगहों पर अवामी इजलास मुनक्कद किए जाते हैं और उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। असल में वैसा देखा जाए तो अब इस पर भी तस्करा करना मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई करने वाला है ही नहीं। हुकूमती फिरका परस्तों की पुष्टपनाई करते रहते हैं। एमआईएम के शौकत अली ने अपने बयान में कहा कि हमने 832 साल इस मुल्क में हुकूमत की, पर किसी पर जुल्म जाति नहीं की, हम बादशाह थे और आप हाथ बांध कर जी हुजूरी करते थे। उन्होंने अपने बयान में मुसलमान दोषर दिया करते और इसका इल्जाम बारह मुसलमानों पर लगाया जाता है। इसका भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान दो औरतों को इज्जत से रखता है, पर तुम एक से शादी करते हो और बाहर तीन औरतों से चक्कर चलाते हो, लिहाजा इन पर आप कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। पर दूसरी तरफ वीएचपी लीडरों पर किसी तरह का मुकदमा दायर नहीं किया गया। परवेश वर्मा ने भी क्या कहा और उनके साथ और दिगर लीडरों ने भी क्या कहा, उस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं और तवज्जो भी जरूरी है। परवेश वर्मा ने नाम ना लेते हुए कहा कि एक समाज का मुकम्मल बायकॉट करना होगा। इससे पहले भी मुसलमानों के खिलाफ परवेश वर्मा ने बयानबाजी की थी दिल्ली दंगे से पहले, इससे इसी तरह के बयान देकर आग में घी डालने का काम किया था और फसाद को और भी बढ़ावा दिया था। एक और भाजपा लीडर नंद किशोर गुर्जर ने भी इसी नहज पर बयानबाजी फरमाते हुए इससे पहले भी तमाम बयान करने वालों की तारीख रही है कि जहरीले बोल अक्सर बोलते हैं, इससे पहले अखलाक के कत्ल को इन्होंने सही ठहराते हुए उसे सुअर तक कहा था। 2020 के दंगों में जिहादियों को मारने के लिए 2500 लोगों को लाने का ऐलान इसी ने किया था। एक और जगत गुरु आचार्य ने मुसलमानों को मारने और काटने की बात खुले मन से की। एक और महंत किशोर नवलदास ने बिना किसी लाइसेंस के बंदूकों को घर में रखने का ऐलान सरेआम किया। खैर, कुछ बातें यहाँ दर्ज कर रहा हूँ। अब इन तमाम बातों पर ना तो कोई डिबेट होती है ना ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई होती है। अगर इन पर खबरें या तबसरे हम करते भी है तो हुकूमत के दबाव में आकर हमें इंतजामिया की जानिब से हिदायत दी जाती है, मतलब सच बात भी संविधान के दायरे में रहते हुए कर नहीं पाते, लेकिन उन लोगों की मामूली तफ्तीश तक नहीं होती जो खुले आम हथियार बंदूक मारने काटने की बात एक समाज को लेकर करते रहते हैं। एक पुलिस वाले को महज मिलाद के जुलूस में मुसलमानों का परचम लहराने पर सस्पेंड किया जाता है, पर खुले आम भगवा परचम लेकर दौड़ने वाले पुलिस कर्मियों को कोई सवाल तक नहीं पूछता कि क्या ये तुम्हारा काम संविधानिक है और क्या तुम संविधान के दायरे में रहते हुए इस काम को अंजाम दे रहे हो।
हमारा सवाल यही है कि क्या वाकई सभी ने इस मुल्क के संविधान भाईचारे को खत्म करने का आजम कर ही लिया है? एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा बयानबाजी, एक तरफा फैसले, आखिर इस मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाहते? और अगर सही में इसी तरह मारने काटने, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने से ही सभी को मुल्क की तरक्की करना यकीनी लगता है, तो फिर यही चलता रहे, अब क्या कहा जाए? आज पूरे दिन भर में यमायम के शौकत अली पर चर्चा बहस जारी है। खैर, इनके बयान पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, पर वीएचपी की विराट हिंदू सभा पर कार्रवाई महज इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि एक समाज को निशाना बनाएगा, इसी सोच से इख्तदार पजीर हुकूमतों का इत्तफाक है। अगर कोई दलित, मुसलमान या दिगर अकलियती तबके का शख्स कुछ कहता है तो फौरन कार्रवाई की जाती है। भाजपा, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस करती है तो इसे देश हित में माना जाता है। क्या अब यही लोकतंत्र बाकी रहा है? ऐसा सवाल जहनों में आना भी लाजिम हो जाता है। गाजरी में एक सुअर मारा जाता है, गाय काटने वाला अखलाक, तो वहाँ सारे के सारे राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ऐसे रोते हैं जैसे इनका दामाद मर गया हो, आपने देखा होगा। लेकिन जब शेरू भाटी दादरी में मारा जाता है, जिहादियों के द्वारा घेर के कोई नहीं जाता, दिल्ली में ध्रुव त्यागी के लिए, रिंकू के लिए और तमाम जो हत्याएं हुई है, और मनीष भाई का जो ये तमाम उदाहरण है, एक जगह इनका मुंह नहीं खुलता है। जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जितने भी इस देश में अनटॉलरेंस कर रहे, लेकिन फिर किसी की औकात नहीं हुई, इसलिए मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है, ये हमारा चरित्र है। दिल्ली के अंदर सीए पर दंगा हुआ, जब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए तो आप लोग थे, आपने घर में घुसा दिया, हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2500 लोग दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हमने जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे, लेकिन जो भारत माता को भारत माता मानता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। जो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाएगा, जो यहाँ इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देंगे, आज के बाद कोई घटना ना हो, ये संकल्प आप लीजिए। जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए, और अगली योजना जो भी हो, जो भी संकल्प की योजना यहाँ से बनती है, 9 से 50 हजार आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको लग रहा होगा 50 हजार आदमी जहाँ कहोगे नौनी से आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे, पहले भी जब जब दिल्ली को जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम दिल्ली को अलग नहीं मानते, जब जब जरूरत पड़ी है। ये रेडिया लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार, जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। बैराम दल के तबस्सुम सरबंदी के कत्ल का मामला दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। गोवा से किरण लंबानी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, अभी तहकीक जारी है। यह वही शख्स है जिसने तबस्सुम को लाकर सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किया था। लिहाजा पुलिस तहकीक के मुताबिक जो बताया गया है कि गोवा से बेलगाम प्राइवेट बस से तबस्सुम आई थी और गोवा के बस अड्डे पर गिरने से जख्मी हुई थी। जब बेलगाम जिला अस्पताल में तबस्सुम को लाया गया, पुलिस केस है कहने पर वहां से किरण लंबानी भाग गया। बाद में उसे फिर हिरासत में लिया गया और वो पुलिस हिरासत में है। अभी भी मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है और भी लोगों की गिरफ्तारी जरूरी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। आखिर 6 तारीख को कॉल सेंटर से इस्तीफा देने के बाद गोवा को तबस्सुम क्यों गई और इसके साथ और कौन थे? आखिर इसकी इस तरह हालत क्यों हुई? क्या वाकई गिरने से ही जख्मी हुई थी या पहले से जख्मी थी?
या फिर इसके पीछे और भी कहानी छिपी हुई है? क्या इनके घर वालों को इसका इल्म नहीं था कि बेटी गोवा में है या बेंगलोर में वगैरह? कई सारे सवाल आज भी जवाब तलाश रहे। घर वालों की जानिब से ऊपरी सतह पर यानी कि सीबीआई की मांग तक की ऐसे भी सुनने में मिल रहा है। लिहाजा पैलोंगल में तबस्सुम की मौत को लेकर एहतजाज किया गया जिसमें तमाम मजाहब के लोग भी शरीक रहे। एहतजाज में तबस्सुम को इंसाफ दो की मांग की गई। बैलोंगल की जमात मुख्तलिफ तंजीम इदारों की जानिब से सैकड़ों लोगों ने इसमें शिरकत फरमाई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ನಮ್ಮ ಯುವತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಊರಿಂದ ಬಂದು ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ದವಾಖಾನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆ ಹುಡುಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ಏನು ಎಂಬುದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ದಾರ ಮೇಲೆ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ, ತಪ್ಪಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕಾನೂನು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು ಅಡ್ಡಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಿಬಿಐ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು NIA ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತನಿಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತಳದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ TV ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು CBI ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ.